देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। आज बांदा कलेक्ट्रेट परिसर में बांदा केंद्रीय पूजा महोत्सव समिति के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर नारेबाजी शुरू कर दी। सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी को अवगत कराया। आपको बता दें कि आज केंद्रीय पूजा महोत्सव समिति के कार्यकर्ताओं ने दुर्गा महोत्सव की व्यवस्थाओं को सुसज्जित बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था, ताकि दुर्गा पूजा में आने वाली समस्याओं को सुधार करके उचित व्यवस्था की जा सके। प्रमुख संरक्षक राजकुमार शिवरे ने बताया कि प्रशासन के द्वारा दुर्गा पूजा में रास्ते में जो पैचिंग होती है तथा विसर्जन मार्ग पर बहुत खराब है। अन्ना जानवर के रास्ते में घूमते रहते हैं, न जाने बिजली उचित व्यवस्था नहीं है और पानी की व्यवस्था भी नहीं है। नगर पालिका के द्वारा स्वच्छता भी ध्वस्त रहती नजर आ रही है, साथ में देवी पंडालों के बाहर कलाई डाली जाती है। सुरक्षा सफाई व्यवस्था का कार्य प्रशासन का काम है, साथ ही किस मार्ग में जुलूस निकालना है यह प्रशासन की अनुमति देते हैं, लेकिन रास्तों में बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हमारी केंद्रीय पूजा महोत्सव समिति के सदस्यों ने रास्ता बनाया है जहां पर मूर्तियों का विसर्जन आसानी से पूर्वज किया जा सके, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं दी गई है। अनुमति ना मिलने के पर हमारी समिति ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर अपनी समस्याओं को अवगत कराया है। ने एक ज्ञापन दिया था कि कौन कौन सी समस्याएं जो जिला प्रशासन है जिसका समाधान होता है। रास्तों में जो पैचिंग होती है, रास्ते खराब है उनको करना था, जानवर अन्ना जानवर घूमते हैं सुअर घूमते हैं उनको रोकना था, पानी की व्यवस्था बिजली की जो व्यवस्थाएँ हैं उसको करना था, लाइन ऑर्डर की जो व्यवस्था है उसको करना था, नगर पालिका के द्वारा स्वच्छता सफाई की जाती थी, कलाई चूना डाला जाता था, मंदिरों में सुबह सुबह बहन बेटियाँ दर्शन करने जाती हैं, उनके लिए रक्षा सुरक्षा और सफाई की व्यवस्था, ये सब जिला प्रशासन का काम था जो करने के लिए कहा जाता था, और साथ में किस मार्ग से जुलूस निकलना है ये प्रशासन उसकी अनुमति देता है। एक डाइवर्जन जो रास्ता क्योटर का बंद हो गया है वहाँ से ना जा करके अब नए रास्ते का बनाना था, वो नए रास्ते को प्रस्तावित हमारी समिति ने किया था एक सर्वे करने के बाद, परंतु जिला प्रशासन से जिलाधिकारी द्वारा अभी तक उसकी अनुमति आधिकारिक रूप से न देने के कारण, विलम्ब होने के कारण आज हम लोगों ने ज्ञापन देकर कहा जनहित में शीघ्रता के साथ दें, ताकि उल्लास और उमंग के साथ नवदुर्गा विसर्जन का भव्य जुलूस गतवर्षों के बाद निकल। रिपोर्ट यूपी क्राइम। देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।